सेंचुरियन टेस्ट में जीत के बाद भी टीम इंडिया पर लगा जुर्माना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक पॉइंट भी कटा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। क्रिकेट प्रेमी अभी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना ही रहे थे कि एक बुरी खबर आ गई। जानकारी के मुताबिक सेंचुरियन टेस्ट में धीमी गति से गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को दो तरह की सजा मिली है। पहली सजा के रूप में मैच फीस का 20% हिस्सा काट लिया गया है। हालांकि भारतीय टीम को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी सजा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरी सजा के रूप में भारतीय टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से एक अंक काट लिया गया है। ICC मैच रेफरी ने भारत के लक्ष्य से एक ओवर कम होने के बाद यह प्रतिबंध लगाया। वहीं भारत के कप्तान विराट कोहली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, यानी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के मामले में कोई औपचारिक सुनवाई नहीं होगी। यदि टीम मैनेजमेंट सजा के खिलाफ अपील करता तो ICC का पैनल सुनवाई करता। सभी अंपायरों ने टीम इंडिया पर धीमी गति से गेंदबाजी करने का आरोप लगाया था। वहीं दोस्तों, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक अंक का कम होना वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके कारण टीम इंडिया फाइनल खेलने से चूक सकती है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा ही हुआ था और उसको अंतिम चक्र में पता चला था कि एक अंक की कीमत क्या होती है। वहीं भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है, जहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। भारत अपना अगला टेस्ट मैच अब 3 जनवरी को खेलेगा। दोस्तों, आप भी इस पर अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।